واضح کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے متعلق آپ اپنے خیالات رکھتے ہیں، اور اپنی شخصیت کو پیش کرنے کے لیے بہترین موقع ہے۔ جشن منائیں جو آپ کو مختلف بناتا ہے، اور اپنے لباس کو اس کی عکاسی کرنے دیں، چاہے وہ بولڈ پیٹرن، غیر روایتی کٹس یا نرالا لوازمات ہوں۔ اپنی پسند کی چیزوں سے باز نہ آئیں، ان کا ضرور تجربہ کریں، اور ان کو اپنانے میں بھی کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ متنوع ذرائع سے الہام حاصل کریں، مختلف جگہوں پر فیشن کی ترغیب تلاش کریں، بشمول آرٹس، موسیقی، فطرت اور مختلف ثقافتیں۔ یہ انتخابی مقص منفرد خیالات کو جنم دے سکتا ہے، جنہیں آپ اپنے انداز میں شامل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز پسند آئے، تو بلا خوف و جھجک اس کا تجربہ کریں، فیصلے کے خوف کے بغیر۔ نئے امتزاجات، طرزیں اور رجحانات آزمائیں۔ فیشن کے کچھ انتہائی مشہور بیانات ان لوگوں کی طرف سے آتے ہیں جنہوں نے مختلف ہونے کی ہمت کی۔ بیان کے ٹکڑوں میں سرمایہ کاری کریں، ایسے ٹکڑوں کی تلاش کریں جو آپ کے ساتھ نمایاں ہوں اور آپ کے ساتھ گونجیں، چاہے یہ وینٹیج جیکٹ ہو جو کہ ہاتھ سے تیار کردہ ہو، لوازمات، یا حسب ضرورت جوتوں کا بیان کرنے کے ٹکڑے آپ کے منفرد انداز کا سنگ بنیاد ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی الماری کو بھی حسب ضرورت بنائیں، جس میں اپنے لباس کو اپنی مرضی کے مطابق بنائیں۔ اس میں ڈیو پروجیکٹس شامل ہو سکتے ہیں، جیسے جیکٹس پر پیج سلائی کرنا، پیشان کن کی جینز یا جوتے یا پیٹرننگ۔ حسب ضرورت اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کے ٹکڑے واقعی ایک قسم کے ہیں۔ بانی اور لو فیشن کو مکس کریں، اعلیٰ درجے کے ڈیزائنز ایٹمز کو زیادہ سستی ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کر ایک ایسی شکل بنائیں جو آپ کی منفرد ہو۔ اس مرکب کے نتیجے میں ایک تازہ اور جدید انداز ہو سکتا ہے۔ اپنی جبلت پر بھروسہ رکھیں، جب فیشن کی بات آتی ہے تو آپ کی بصیرت ایک طاقتور رہنما ہے۔ اگر کوئی چیز صحیح محسوس ہوتی ہے تو آپ کو اعتماد محسوس کرتی ہے۔
तो उसे पहने आपका एतमाद आपकी इनफरादियत को बढ़ा देगा। अपने लिबास को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएं। उसमें ड्यू प्रोजेक्ट्स शामिल हो सकते हैं, जैसे जैकेट्स पर सिलाई करना, और इसके साथ साथ और चीज़ें भी। अपने लिबास का इस्तेमाल इस बारे में कहानी बनाने के लिए कि आप कौन हैं, चाहे ये सकाफ़ती वरसा, ज़ाती तजर्बात या मुस्तकबिल की ख्वाहिशात के ज़रिए हो। अपने अंदाज़ को, अपने सफ़र को बयान करने दें। कवानीन को तोड़ना। फैशन के असूलों का मतलब तोड़ना है। रवायती रहनुमा खतूत के ज़रिए महदूद न रहें। अगर वो आपके साथ गूंज नहीं करते हैं, अपने उसूल खुद बनाएं और अपने रास्ते पर चलें। मुनफरिद फैशन पहनने का सबसे अहम पहलू उसके मालिक होने का एतमाद है। जब आप अपने पहनने में अच्छा महसूस करते हैं, तो दूसरे उस एतमाद को देखेंगे और आपके मुनफरिद अंदाज की तरफ राग़िब होंगे। ये बात जहन नशीन कर लें कि फैशन एक ज़ाती सफ़र है और आपका अंदाज आपका अक्कास होना चाहिए। सबसे ज़्यादा यादगार और असर अंगेज़ फैशन अक्सर उन लोगों की तरफ से आता है जो खुद गैर माज़रत ख्वाह हों। लिहाजा मज़ा करें, तजर्बा करें और अपनी इनफरादियत को फ़ख्र के साथ कबूल करें। और किसी कस्म की हिचकिचाहट कभी महसूस मत कीजिएगा, क्योंकि फैशन आपके लिए एक वरसा है, आपकी शख्सियत को उभरने के लिए एक बेहतरीन टुकड़ा है। अगर आप अपने अंदाज के साथ तजर्बा करने के लिए आए हैं, तो छोटी तब्दीलियों के साथ शुरू करें। मुनफरिद लवाजमात शामिल करने की कोशिश करें, या अपने लिबास में बोल्ड पीस शामिल करें। आहिस्ता आहिस्ता आप बाहर खड़े होने में ज़्यादा आरामदेह हो जाएंगे। ड्यू हसबे ज़रूरत। ड्यू प्रोजेक्ट्स के ज़रिए अपने कपड़ों को ज़ाती बनाएं। ये इतना ही आसान हो सकता है जितना कि डिनम जैकेट में पेच या कढ़ाई शामिल करना, या इतना ही पेचीदा हो सकता है जितना कि किसी सेज पीस पर दोबारा काम करना। अपनी मर्जी के मुताबिक लिबास फितरी तौर पर मुनफरिद है। मिक्स एंड मैच। मुख्तलिफ शीलों, नमूनों और रंगों को मिलाने से ना घबराएं। गैर मुतवक्के अनासिर का मजमूआ एक ऐसी शक्ल बना सकता है
जो वाज़ेह तौर पर आपकी हो। वसेच और काफ़ियत शायरी के स्टोर्स को एक किस्म के टुकड़ों के लिए दरियाफ्त करें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। उन दुकानों में अक्सर अनोखी चीज़ें होती हैं जो आपकी अलमारी में एक ख़ास टच डाल सकती हैं। एक दस्तखती टुकड़ा या स्टाइल अनासर तैयार करें जो आपकी अलमारी में अहम बन जाए, और ये मखसूस किस्म के लवाजमात एक ख़ास रंग या बार बार चलने वाला पैटर्न हो सकता है। इनफरादियत को गले लगाएं। आपका अंदाज़ खुद इजहार की एक शक्ल है। बहर खड़े होने और मुख्तलिफ होने से न घबराएं। सबसे ज़्यादा यादगार फैशन अक्सर उन लोगों की तरफ से आता है जो मुनफरिद होने की हिम्मत करते हैं। तो आप घर में रहकर फैशन का आइडियाज़ लगा सकते हैं, और जब भी आप कहीं फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हों तो ऐसे मौके पे में ऐसे तजर्बात बिल्कुल ना करें जिससे आप हौसला हार जाएं। लहजा घर रह कर तजर्बात करें और उनको अपनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें अपने रहस्य से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज की इस वीडियो में आपने कौन सी चीज़ पसंद की है, कौन सा डिज़ाइन पसंद किया है, और आप किस चीज़ की तलाश में हैं। हमें उससे भी ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि नेक्स्ट हम आपके लिए आपके ख्यालात के मुताबिक वीडियो ला सकें। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी, बराए करम अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक़्त आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, उस वक़्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए आइडियाज़ के साथ और नए ख्यालात के साथ। उस वक़्त तक आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।